एचएल टीवी न्यूज। पूरे पंजाब में जिला हेडक्वार्टर ने धरना दिया और रोष मुजाहरा किया। पटियाला में भी यूथ अकाली दल के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जो शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में धक्का हुआ है वो अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल SOEL के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और दोगली राजनीति कर रहे हैं। पानी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंजाब का पानी पंजाब के बाहर नहीं जाएगा। इस रैली में अकाली दल के मालवा जोन 1 के प्रधान हरपाल जुनेजा, यूथ अकाली दल पटियाला शहरी के प्रधान कुलविंदर सिंह विक्की रिवाल और भी कई नेता शामिल। पंजाब जिला हेडक्वार्टर के धरने दिए गए ने, रोस मुजाहरा किया गया। जिहड़ा दिल्ली की सरकार ते जिहड़ा उत्थे दा मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्हें जिहड़ा SOEL के मुद्दे से पंजाब च पंजाबियों नूं ते पंजाब दे लोकां नूं गुमराह करके धोखा करके इत्थे कह के गया पंजाब दे लोकां दा पानी है पंजाब च ही रहूगा किते नहीं जाऊगा। हरियाणे च जाके कहता हरियाणे दे लोकां दा पानी है हरियाणे च मिलेगा। दिल्ली च जाके जिहड़ी कोर्ट च मैटर चलता सी उत्थे जाके इहदे AG ने दिल्ली दी सरकार दे ने एफीडेविट देता भी जिहड़ा इह पानी है हरियाणे नूं मिलना चाहिए। सब तो वड्डा धोखा उन्हें वह किया। परसों ही उन्हें एक नवा कारा किया, जिवें 84 इंदिरा गांधी ते खास करके कांग्रेस ने दरबार साहिब ते हमला करके पंजाबियों ते खासकर सिखां दे जिहड़ा एक कतलेआम किया सीगा, वह सेम काम 2016 च आ के अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंदर केजरीवाल ने जिहड़ा शीशगंज गुरुद्वारा साहब च एक छबील जिहड़ी गुरुआं की दात है फ्री दे लंगर फ्री दा पानी पियाना एक जिहड़ी वह छबील जिन्हों प्याओ कहिंदे ने ओ इहदी सरकार ने तहस नहस करता तोड़ता। दिल्ली च तुसी सारे खासकर मीडिया नूं तां कल्ला बंदा दिल्ली जाना पैंदा तुसी जाणदे हो, उत्ते तुसी देखदे हो किन्नियां इलीगल बिल्डिंगां बणियां होईयां की कुछ होया होया। पर जिहड़ी उहने शुरुआत कीती है वह इहने जिहड़ा सिखां दा एक इतिहासिक गुरद्वारा शीशगंज साहब उहदा जिहड़ा प्यो सी उहनूं तोड़न तों कीती है। और जिहड़ा शीशगंज गुरद्वारा साहब है मैं तुहानूं इह वी दसणा चाहूँगा उहनूं जिहड़ा एक हिस्टोरिक मोनूमेंट हुंदे आ उहदा दर्जा मिलिया होया। जिहड़ी भी कोई चीज़ हिस्टोरिक हुंदी है उहनूं किसी भी तरह की सरकार किसी भी तरह नाल हिलजुल नहीं कर सकती हुंदी क्योंकि हिस्टोरिक मोनूमेंट है। इहने वह तोड़न का यतन किया। उनकी सरकार का ये बोलना है कि ये सब तो हाई कोर्ट के आदेशों के लिए किया गया, उसके बाद ही सारा कुछ किया गया। हाई कोर्ट के आदेश तुसीं दिल्ली च जाओगे बतेरियां जिहड़ियां रेजिडेंशियल रोड्स ने जिहड़े घर बने हुए सी सारे शोरूम बने हुए वह भी तोड़न नूं कहा है। इहने वह काम नहीं किया सब नालों पहलां जिहड़ा सिख गुरु घर का जिहड़ा सिखां दा एक इतिहासिक 8 इतिहासिक गुरुद्वारा साहब ने उन्हां च शीशगंज साहब है जिते एड्डी वड्डी शहादत दे के हिंदुओं का बहुत वड्डा जिवें कहिंदे आ उन्हां दी मुगलों तो जिवें अब्दाली शाह ने हमले किए सी उन्हां तो बचा किया सी गुरु साहब ने उहदा उन्हें तोड़न का यतन किया। प्राइवेट स्कूल आज जो प्राइवेट स्कूल का मुद्दा उठा हुआ है आज की डेट में कि प्राइवेट स्कूल हाई कोर्ट के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो उनके बारे में आपको पता है या आपकी क्या विचार है? आज तक जो भी पेरेंट्स को रिलीफ मिला मेरी DC साहब और SDM साहब से लगातार बात होती रहती है। कुछ राजनीतिक पार्टियाँ इसको मुद्दा बनाना चाहती हैं जबकि शिक्षा मेरे हिसाब से जो स्कूल होता है वो मंदिर होता है और शिक्षा देना हमारा धर्म है। और कुछ राजनीतिक लोग यहाँ पटियाला में और पार्टियाँ इस जो चीज़ को मुद्दा बनाना चाहती हैं मैं इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। जब पेरेंट्स एसोसिएशन मेरे पास आई मैंने उनकी मदद की है, DC साहब से बात की है और SDM साहब से बात की है और आगे जो भी उनकी कोई डिमांड होगी जो जायज़ डिमांड होगी क्योंकि स्कूल प्राइवेट हैं पर जो भी उनकी डिमांड होगी उनके साथ मैं खड़ा हूँ, हर तरह का संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। तो अज असीं फुहारा चौंक दे विच खड़े हाँ, उत्थे अज मुद्दा अज रैली हो रही सी कि उत्थे गुरुद्वारा साहिब दिल्ली दे विच शीशगंज साहिब दे विच जिहड़ा धक्का होया उस बारे अज इत्थे रैली कीती गई है। पटियाला शहर दे विच चाल साहब ने खड़े पए ने, साडे नाल विक्की जी खड़े हन, हरपाल जुनेजा जी खड़े हैं, रखड़ा साहब आए सी। असीं हुण चाल साहब नाल गल्लां करदे हन कि विक्की साहब नाल गल्लां करदे हन कि उन्हां नाल इह रैली क्यों कीती है। हाँ जी सर जी, अज जिहड़ी रैली होई है किस बेस ते सी? अज असीं जिहड़ा फुहारा चौंक ते धरना दित्ता है ये केजरीवाल जी के खिलाफ जिहड़ा इन्हां ने साडा इतिहासिक गुरद्वारा श्री शीशगंज जी साहब है जो दिल्ली विखे है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
जो भी इस तरह एक अकाली सरकार नहीं, मेरे ख्याल हर सिख, हर पंजाबी, हर हिंदू भी इस नाल सहमत हैं भी जिहड़ा बसीसगंज साहब गुरदर साहब का शहीदी स्थान है उत्थे इन्ना वड्डा धक्का जिहड़ा होया प्याऊ तोड़ के, क्योंकि ना उत्थे मुफ्त छबील पानी पिलाया जाता है, कल्ली दिल्ली दी संगतां नहीं भी देश विदेश तो संगतां आईयां भी उत्थे जल छकदियां, तो इस धक्के किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वैसे सर जी मतलब कि जिम्मे कि पंजाब नाल हमेशा धक्का ही होंदा आया है, नैशनल दे विच पंजाबियों नाल हमेशा धक्का होंदा आया है, कि हुण भी धक्का होंदा रहेगा हमेशा, सरकार अकाली सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल अकाली दल का स्पष्ट स्टैंड है, जिथे पंजाब सरकार की गल है, जिथे पंजाब के लोगों की गल है, जिथे सिखा की गल है, किसी भी हिंदू धर्म की, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल किसी भी धर्म सारे धर्मों नाल सांझा निभदे हन, किसी भी धर्म नाल धक्का होएगा तो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जां साडी कोई भी टीम समुची अकाली लीडरशिप असीं धक्का बर्दाश्त नहीं करांगे। तुसीं देख रहे हो कि विक्की जी कह रहे हैं कि अकाली सरकार धक्का नहीं होन देवेगी, हुण आने वाला टाइम देखा जाएगा कि ये गल सच होएगी कि अकाली सरकार इस ते स्टैंड लेगी। मैं प्रीत रंधावा, हलचल टीवी पटियाला। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।